परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, और ये माया कहाँ से हो? बोले आदमी गुणात्माओं सौभाग्य आपका, परमात्मा ने आपको पहले शिक्षित किया। यह शिक्षा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमने के बनाया परमाणु बम, सबसे पहले अपना नाश तैयार किया और उसके बाद ये हम अहंकारी हो गए। एक छोटा सा पद पा करके तो इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, जज बन जा, या राजनेता मंत्री बन जा, प्रधानमंत्री बन जाता है, इन्हों फूल जाता है और कल को मृत्यु होगा, गधा कुत्ता बनकर धक्के खाओगा, वो दुख तो ना दिखता तुम्हारे को इस भक्ति के बिना। ठीक है, आपको जो भी अधिकार मिला है उसको नेक नीति से निभाओ और इस बात को याद रखो, यहाँ सदा नहीं रहोगे। और ये सदा ये सुख नहीं, जिसको तुम सुख मान रहे हो वैसे तो सुख नहीं है, फिर भी ये भी नहीं रहेगा। तो इस कारण से फिर ये ज्ञान हमारे अंदर समावेगा। तो परमात्मा ने हमें शिक्षित किया। अब पिछला इतिहास देखो, हमारे पूर्वज इतने अधीन सीधे साधे थे, ना छल कपट था, सबको मालूम है अपने पूर्वजों का। आज चाहे कोई कितना अपलातून पाक रहा हो, उनको सब का मालूम है उनके दादा परदादे कैसे रहते थे, झोपड़ियों में टाइम पास किया उन्होंने, और हमसे अच्छा जीवन जीते थे वो। बेसक कपड़ा भी नहीं पहनते थे, धोती धोती या लंगोट में रहते थे, धोती बांधते थे कई बार तो गर्मी गर्मियों में, और वो नेक आत्मा थे, उनका सुथरा जीवन निर्वाह हो रहा था आज की तुलना में। चाहे आज कितने हम अपने आप को पके दिखते हो, पैंट शर्ट पर अगर गाड़ी मोटर लेकर, चैन एक पल की नहीं, सपने में बकवाद सुन जाए तुमको, जो भगवान से दूर है प्राणी। तो ये शिक्षा ने हमें खूब बिगाड़ा। अभी शिक्षा के बिना आप तक ये ज्ञान नहीं आ सके था। ये विज्ञान मनुष्य के सदर का नहीं है, जो आज आप देख रहे हो टेलीविज़न, इंटरनेट, चिप, ये मेमोरी कार्ड, ये परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है। ना चार युग का इतिहास आपके पास है, ढंग से कोई बैलगाड़ी भी नहीं रखा करते थे, टूटी फूटी में घसीटे अंडा करते थे। हमने दास ने वो ज़माना देखा है कि कनक निकालने के लिए एक महीना तक पशुओं को इन गेहूं के ऊपर घुमाया करते थे, 15-15 दिन, जब जाकर वो दाने अलग होते थे, चूड़ा अलग होता था, भूस। और आज आप क्या देखते हो, 2 मिनट में कटकट कर जाते। ये कहाँ से बुद्धि आई आपके लिए कि सुविधा दूँ अपने बच्चों को ताकि ये भक्ति में ज़्यादा समय लगाएं? हमने देखा हमारी माताएं, चाची ताई, 1-2 किलो आटा पीसने की खातिर 2-2 घंटे लगी रहती हूँ हाथ से। अब उसके लिए चाकी ऑटोमेटिक पावर की बना दी, अब आटा उधर पिस रहा, तुम बैठकर माला जपो, भगवान का भक्ति करो। पशुओं का चारा इकट्ठा करते, दास का जन्म एक जाट किसान के घर हुआ, जिस कारण से खूब परिचित है। पहले तो ऐसे देखे हमारे दादाजी, ऐसे काटा करते थे एक फरसा सा ले करके, फिर ये हाथ से चलाने वाली मशीन बनी, गंडासा बोलना जिसको, और अब एक पावर बिजली से कनेक्शन लगा के, मोटर लगा के, और कट 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 ढेर सारा काट दे, घंटे में 20 पशुओं का काट देती है। तो ये सुविधा भगवान ने इसलिए दी कि तुम इस समय का सदुपयोग करो। तुम इसका सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग करने लगे, ताश खेल रहे और गप्पे मारे बैठ गए, राजनीति की बतलाओ कसली मौत देखें, मुँह आँखें फाड़ के। तो ये सब जो ज्ञान होगा आपको, फिर आप में सुधार आवेगा, डर लगेगा, डर लगता है ज्ञान हो जाने पर। तो इस ज्ञान से आपको परिचित हो जाओगे कि हम कहाँ रह रहे हैं, एक सेकंड का भरोसा नहीं, कहाँ कब बिजली गिर जाए, और आज किसके ऊपर गिंडली मारे बैठे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, और ये माया कहाँ से हो? बोले आदमी तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, तो इसको कैसे अपनी मान बैठा अनजान। तो ये अज्ञान हटाने के लिए सत्संग किए जाते हैं, और सत्संग सतलोक आसन बरवाला के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा आपको।